या जिसको आपने अभी कहा कि टोबैको फ्री कैंपस बने, मैं तो चाहता हूं कि पूरा देश टोबैको फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए पूरा देश। और आज से इसका अभियान पहली बार ये अमेठी इंटरनेशनल में कार्यक्रम हो रहा है, पहली बार शायद ना। तो मैं चाहूंगा कि यहां के छात्र युवा ही पूरे विश्व में क्रांति ला सकते हैं। क्रांति करने के लिए कोई करोड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों ने बिहार में आंदोलन किया, 74 में जेपी को सामने लिया, जेल सेल आपातकाल के दिनों में वर्षों तक जेल में रहे, बहुत कम लोग थे, और बाद में काफिला बढ़ता गया, पूरा देश साथ रहा, आपातकाल की स्थिति देश में लागू करना पड़ गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देश के कर्णधार हो, भावी पीढ़ी के लिए आप ही सब कुछ करता धरता हो। मैं अमेठी से इस बात को इसलिए शुरू करना चाहता हूं, ये दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी से अगर कुछ अच्छे वाक्य जाएंगे तो पूरे देश में इसका संवाद अच्छा जाएगा। तो एक तो आपने और हमारे प्रोफेसर दास और प्रोफेसर प्रदीप राजीव जी ने जो कहा कि दंड का प्रावधान है, चाणक्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आप में से कोई अर्थशास्त्री होंगे, मैं उसके केवल एक वाक्य को कि चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस समय तंबाकू पीने के या यत्र तत्र थूक कोई फेंक देता है या कहीं कागज का टुकड़ा फेंक देता है, अब तो स्वस्थ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित करके चलाया है, वो बहुत बड़ा बल मिला है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए स्वयं को स्वस्थ रखना, जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक देश भी स्वस्थ नहीं बनेगा, पूरा विश्व भी स्वस्थ नहीं बनेगा। इसलिए मैं फिर से आपको मेरा एक प्रतिज्ञा है, मैं चाहता हूं कि अमेठी कैंपस की तरफ से आप सप्ताह में एक दिन कोई आप कॉलेज के बगल अगल में हो या कोई इलाका हो जहां ज्यादा इस प्रकार के व्यसन करने वाले लोग हो, तंबाकू गुटखा पान मसाला ऐसा टोली, और छात्रों की छात्राओं की टोली वहां जाकर के उसको जगाने का काम करे, अवेयरनेस लाने का काम करे। अगर घंटा दो घंटा का मतलब क्लास में पढ़ाई से ज्यादा वो अगर सप्ताह में एक दिन भी अगर हमने कुछ गांव को एडॉप्ट किया, कुछ गांवों में या कुछ टोले को एडॉप्ट किया तो बहुत बड़ा कल्याण होगा और इससे एक जागृति बढ़ेगी। एक तो मेरा ये आग्रह है, टोबैको के बारे में, कैंसर अवेयरनेस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में देखो कहते हैं ना कि मतलब प्रिकॉशन लेना हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात है, मेडिसिन बांटना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर हम कहते हैं ना। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स अपने जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए हम निर्धारण करते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम निर्धारण करते हैं, ये संस्कार से भी हमें मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट इस बात का मैं आग्रह करूंगा कुलाधिपति जी से और तमाम खास करके हेल्थ से जुड़े हुए और प्राध्यापक गण और बच्चे और बच्चियां हैं, सप्ताह में एक दिन एक घंटा ही क्यों ना इस प्रकार का टोली पहले से जुड़ा हुआ रहे और उसमें अवेयरनेस लाने का एक काम, तो एक तो ये काम, और दूसरा अंत में मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इस कैंपस से भारत से तंबाकू सेवन को विदा किया जाए, इसके लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है और ये इंस्टीट्यूट ही उसके लिए अग्रणी भूमिका अदा करेगी। मैं अभी आया, ठीक कहा, मैंने देखा कुछ किनारे पर कुछ लड़के गप्पी कर रहे थे और कुछ बहुत किनारे में, तो ठीक ही कहा डॉक्टर कावड़ा जी ने कि कुछ उसके लिए व्यवस्था आप करते हो, और दंड के बिना प्रावधान का कुछ होता भी नहीं है, दंड तो होना चाहिए। उस जमाने में जब चाणक्य ने दंड का प्रावधान रखा था
कि कागज का टुकड़ा फेंकेगा तो उसके लिए कितना दंड, कोई मूत्र कहीं इधर उधर कर दिया उसके लिए कितना, थूक फेंक दिया तो उसके लिए उस समय से भी तो दंड का प्रावधान तो आवश्यक है। और आपने कहा भी डॉक्टर राजीव जी, तो मैं चाहता हूं कि अब अंत में हम एक प्रार्थना पूर्वक संकल्प लेंगे। इस कार्यक्रम का अंतिम सत्र का अवसान संकल्प से होगा, और जब तक कोई चीज का प्रतिज्ञान नहीं होता, संकल्प नहीं होता, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होता तब तक उसको मुक्त करने का, आप पूजा पाठ करते हो कभी तो संकल्प लेते हैं, पंडित जी संकल्प लाते हैं, आप संकल्प लेते हो कोई अच्छा काम करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आज एक अच्छा निर्माण का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। शिवम भूत्वा शिव यदि, शिव बन करके शिव की पूजा करो तभी साक्षात शंकर मिलेगा। अगर स्वयं मुक्त होकर के टोबैको मुक्त हम स्वयं हो जाएंगे, स्वयं संकल्प लेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे, तो पूरे देश में ये प्रेरणा जगेगी और पूरा देश, केवल कैंपस ही नहीं, पूरा देश तंबाकू सेवन मुक्त कैसे बने, पूरा देश आने वाले दिनों में तंबाकू व्यसन शराब ऐसे तमाम चीजों का मुक्ति कैसे इस भारत को मिले, ताकि भारत स्वस्थ हो सके और परम देव बन में तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशादी प्रथम। हे भारत माता, तुम परम वैभव के शिखर पर कैसे पहुंचो, अंतिम तमन्ना हम देशवासियों का यही है। और अगली शताब्दी 21वीं शताब्दी युवा भारत की शताब्दी होगी, युवा शताब्दी के रूप में भारत का जाना जाएगा। तो आइए, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, यूथ पावर नेशन पावर, स्टूडेंट पावर नेशन पावर, तो आप अपने पावर को अपनी शक्ति को रचनात्मक शक्ति के रूप में, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के रूप में देश के निर्माण में लगाने का काम करें, यही आपसे मेरा प्रार्थना है। और अंत में हम सभी खड़े होकर के एक पंक्ति का संकल्प लेंगे, मैं कहूंगा आप सभी दो लाइन, धन्यवाद।